गलत गलत अभी 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 हर्षवर्धन जी ने कहा था वो बच्चों के साथ ही ये काम हो सकता है, आप लोग बच्चे हैं। एक सेकंड आप सुनिए, आप सुनिएगा, आप सुनिएगा, मुझे ये बताइए आपको 37 सीटें कैसे मिल गई, यही 43 कैसे मिल गया, कैसे मिल गया लोकसभा? एक लाइन जरूरी है, मैं एक एक फैजाबाद, अगर अगर भारतीय जनता पार्टी की ताकत होती कि वो बेईमानी कर सकती है तो फैजाबाद हारती हो, हर दूसरे दिन फैजाबाद लेकर ये संभव था? और इस तरह से झूठ बोलना, इस तरह से मजाक बनाना बंद करना चाहिए। प्रोफेसर यादव मजाक बना के रखा हुआ है, मैं प्रूव करूंगा, आप जीते कुछ नहीं बोलेंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएगा, और जहां गड़बड़ होती है तो कहते हैं चुनाव आयोग, चुनाव आयोग कैसे ले आए आप लोग? मैं फिर कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में कैसे 400 पार वाले नारे की आपने हालत खराब कर दी? अगर चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा था, अयोध्या वाली सीट जिस पर ऐसे इतराते हैं, घमंड करते हैं आप, कैसे आप जीत जाते अगर चुनाव आयोग को इन्हीं को जिताना था तो? 10 सेकंड मुझे दीजिएगा, अनइंटरप्टेड दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र मैं बता रहा हूँ, बेईमानी के बता रहा हूँ, बेईमानी करने के तरीके होते हैं। क्रिकेट का एग्जांपल लेके बताऊंगा फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप LBW आउट होते हैं तो बेईमानी करने की संभावना है, अगर आप रन आउट होते हैं तो बेईमानी करने की संभावना है, अब सुन लीजिए, अगर आप कैच आउट होते हैं तो बेईमानी करने की संभावना है, लेकिन अगर क्लीन बोल्ड होते हैं तो बेईमानी करने की संभावना नहीं है। 37 सीटें उत्तर प्रदेश, सुनिए, 37 सीटें ऐसी हैं जिसमें क्लीन बोल्ड हुई है भारतीय जनता पार्टी, और जीतों का अंतर इतना ज्यादा है कि बेईमानी करने का मौका नहीं मिला उसमें। दूसरी बात प्रोफेसर साहब, आप रुक गए, पहली बात ये क्रिकेट जो आप कर रहे हैं सर, का पहाड़ हो गया अब तो, ये अब तो कमाल हो गया, तर्क लगने लगा आपको, नहीं ये लगने लगा आपको, आप कोई भी तर्क लाइए आपका बढ़िया तर्क है, बताइए ना क्रिकेट का तर्क लाइए तो तर्क हो गया। दूसरी बात, ओके पहली बात प्रदीप जी आ रही हूँ मैं 20 सेकंड में, हर्षवर्धन रुबिका जी क्रिकेट का तर्क लाएं, फुटबॉल का लाएं, वॉलीबॉल का लाएं, लेकिन भैया अंत में तो ईवीएम मशीन है ना, और ईवीएम मशीन के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर किसी को संदेह है हमारे पास आइए, हम उसकी रिकाउंटिंग कराएंगे। क्यों नहीं जाते हैं ये लोग? और जो रैंडम सिलेक्शन होकर वीवीपैट तो सब में लगी है, क्यों नहीं उसकी बात करते हैं? और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कोई मिसमैच हुआ, आज तक ये सिर्फ अफवाह फैलाई जाती है, झूठ बोला जाता है। 37 सीटें जीतते हैं तो वो एकदम इनका बढ़िया है, जैसे ही जहां हारने की नौबत आती है यही कहानी बार बार होती है। हालांकि जम्मू कश्मीर से इसी ईवीएम से जीतकर अब्दुल्ला साहब अभी अमित शाह और अरे सर मुझे देखिए यही मेरी दिक्कत है, आप लोग जीत जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग हार जाए तो आप लोग गेम को ही झूठा करार देते, ऐसा मत कीजिए ना प्रोफेसर यादव। प्रदीप भंडारी जवाब दे रूबिका जी, अब मैं इनको 1.5 मिनट से सुन रहा था, मैं सिर्फ 30 सेकंड दूंगा। इनको दिक्कत यही है कि उत्तर प्रदेश आज जीडीपी में सेकंड नंबर पे स्टेट पे पहुंच चुका है, जो इनके समय में पीछे जाता था। इनको दिक्कत यही है कि 45 दिन में जब अखिलेश यादव जी का शासन था तो 699 मर्डर होते थे। इनको दिक्कत यही है कि आज पुलिस वाले और अधिकारी जो है वो नेताओं के कदमों में नहीं बैठते, जैसे सिपाही के अंदर वो पीटे जाते थे और अखिलेश यादव जी के कदमों में आईजी बैठते थे। मुझे बताइए रूबिका जी, ईवीएम की बात ये करते हैं, ये झूठे लोग हैं। जब चुनाव आयोग ने सब पॉलिटिकल पार्टीज को चैलेंज करा था आप ईवीएम को हैक करिए, एक राजनीतिक दल आगे नहीं आया था। 6 बार ये सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं और एक भी बार प्रूव नहीं कर पाए। और जयराम रमेश ने आपको याद है सूर्यभिका जी, जब लोकसभा चुनाव थे क्या कहा था कि 100 DM को जो है होम मिनिस्टर अमित शाह फोन कर रहे, उसके बाद जब उनसे प्रूफ मांगा गया तो अभी तक उन्होंने प्रूफ नहीं दिया। ये लोकतंत्र विरोधी लोग हैं और ये चाहते हैं कि ईवीएम इसीलिए हटे जिससे कि बैलेट बॉक्सेस को लूट सके, जैसे कि ये यूपी और बिहार में पहले किया करते थे। ओके आनंद दुबे जी, क्या ये ईवीएम पर बार बार इस तरीके से मतलब झूठे आरोप लगाना शोभा देता है बड़ी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टियों को? रूबिका जी, पूरे ईवीएम के सिस्टम पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जब अमोल कीर्तिकर को 48 वोटों से जीतने के बाद हरा दिया जाता है तब ये होता है कि क्या हो रहा है। अरे भाई, पहले एक व्यक्ति जीत जा रहा है, फिर 600 वोटों से भी रिकाउंटिंग में उसको 48 वोटों से हार घोषित करने पड़ रहे, तो ये सब चीजों को है, विवाद है, लेकिन इस विवाद को सुलझाया जा सकता है। ये पूरी कोई सिस्टम पे प्रश्न नहीं उठा रहा है, लेकिन जब चुनाव आयोग कह देता है कि असली राष्ट्रवादी अजीत पवार की, इन्होंने राष्ट्रवादी की स्थापना की थी, इनका चुनाव चिन्ह घड़ी है, तब लोग पूछते हैं कि भाई चुनाव आयोग महोदय 1999 में राष्ट्रवादी बनी थी, तब तो अजीत दादा पवार केवल एक विधायक हुआ करते थे, उनके चाचा श्री पूर्व मुख्यमंत्री ने वो पार्टी बनाई थी, ये सब भी आप भूल नहीं सकते। और रूबिका जी एक मिनट, अभी हम चुनाव में जा रहे हैं,
हमारा नया नाम है, नया चिन्ह है, अंदाज वही पुराना है, अपने महाराष्ट्र राज्य को तानाशाही अहंकारियों से बचाना है। तो हम तो यही कहेंगे ना कि चुनाव आयोग महोदय, जो गलतियां आपने अतीत में की है वो कम से कम वर्तमान और भविष्य में आप न कीजिए। अगर ईवीएम में बार बार सवाल उठता है कुछ मशीनों पर चिन्ह है तो आपको बताना चाहिए ये कौन सा गलत बात है। क्या विपक्ष को नहीं पूछना चाहिए? 5000 वोटों से हारी, ईवीएम का भगवान हो गया? वो बाहर आकर वो ये कह रही थी कि मुझे चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, मुझे ईवीएम 5000 वोटों से मात्र हारी थी। ऐसे तो बहुत सारी जगह है जहां पर आप में और बीजेपी में अंतर रहा था 10000 वोटों का। ऐसी बहुत सी जगह है जहां 50000 का अंतर रहा है। एक वोट सीपी जोशी एक वोट से हारे सर। फैक्ट रूबिका जी, मध्य प्रदेश कभी कोई सवाल नहीं खड़ा करता है। मध्य प्रदेश 2018, अरे हारना अलग है, हरवा देना अलग है। पहले ये चीज क्लियर करिए, कोई व्यक्ति 600 वोटों से जीत चुका है और बाद में 48 वोटों से हरा देंगे दबाव से, तो क्या सेटिंग किया आपने? क्या सेटिंग की है? सीसीटीवी फुटेज आज तक नहीं आए, अधिकारियों को आज तक दोषी नहीं ठहराया गया, आज तक उसकी जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ, जनता पूछे नहीं। आनंद जी मैं कह रही हूँ, आप प्रदीप भंडारी को तथ्यों के आधार पर, नीतियों के आधार पर, लॉजिक के आधार पर सूली पर लटका दीजिए। देश की जनता ये पसंद कर ले कि अगर इन्होंने कुछ गलत किया है, प्रदीप भंडारी और भारतीय जनता पार्टी को तथ्यों के आधार पर, नैतिकता के तौर पर आपने सूली पर टांग दिया। पर सर आप दूसरी संस्थाओं, मतलब आप लोग हारते हैं तो हरवाते हैं, प्रदीप भंडारी की पार्टी हारती है तो हारती है, जनता हराती है। मतलब आपका कहना है रूबिका जी, आपका कहना है ईडी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं होता है, वेरी गुड, बात खत्म हो गई, गोल पोस्ट निर्णय हो गया इन्होंने। अब आपने शिफ्ट कर दिया, ये पहले देखिए चुनाव आयोग का रुख, निर्णय इतना आसानी से नहीं दिए जाने चाहिए। पर चुनाव आयोग की बात कीजिए ना आप, चुनाव आपने कहा हरवाते हैं, कैसे हरवाते हैं? चुनाव आयोग कैसे कह सकता है कि शरद पवार जी की राष्ट्रवादी नहीं है? चुनाव आयोग कैसे कह सकता है कि उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना नहीं है? सुप्रीम कोर्ट आयोग ने कहा, मतलब पहले आपने चुनाव आयोग को कटघरे में लिया, फिर आपने उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट को, हाई कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर दिया। सर भारतीय जनता पार्टी को कीजिए ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस चक्कर में आप लोग देश की संस्थाओं को काहे बदनाम कर देते हैं। हर्षवर्धन जी सिर्फ 10 सेकंड, हम लोग बार बार आनंद दुबे जी कह रहे हैं हम लोग स्ट्रेटजी गलत है, 10 सेकंड जरा सुन लीजिए। हमने बीजेपी को त्यागा है, हमने राष्ट्रभक्ति नहीं त्याग कर दी, हमने हिंदुत्व नहीं त्यागा। कांग्रेस पार्टी एलेन ऑक्टेवियो ह्यूम ने शुरू की थी, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी तक आते आते कितनी पार्टियां टूटी हैं कांग्रेस की, मुझे भी याद नहीं। आप भी अगर एक सांस में बता जाए तो मैं मान लूंगा कि आप बहुत बढ़िया से याद रखते हैं कांग्रेस को। और जो कांग्रेस आई हुई वो भी जरा बता दीजिए, कांग्रेस आर हुई, ओ हुई और क्या क्या हुई। तो पार्टी तो ऐसे ही तय होती है, स्थापना तो ए ओ ह्यूम किए थे, तो उनके वंशज आके कहें कि नहीं नहीं कांग्रेस पर तो हमारा कब्जा है, ये बाकायदा पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन से होता है। मतलब संगठन का कोई सम्मान नहीं, ठीक नहीं रखा। मतलब लोकतंत्र में जनता जनार्दन कोई महत्व नहीं रखता। अरे जनता जनार्दन ताकत की चलती है ना, हुकूमत जिसके पास है उसकी चलती है ना। तो आप तो इतने बुद्धिजीवी पत्रकार हैं त्रिपाठी जी, आप इतने अनुभवी हैं, आपने निर्णय दे दिया, आप तो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए। आप तो जिस मामले को सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रखा है वो भी आप निर्णय सुना दिए अभी आप बैठ के। अरे ये तो हम कहां सुना रहे, यही चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करें, उन्हीं के पास पूरा सब कुछ रहा कि जो सामने होगा उसी के आधार पर तय होगा। सुशी बहन भाई, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर तो वो सुशी बहन, मतलब जनता का सम्मान नहीं। सुशी बहन आप आनंद दुबे, आनंद सुशी बहन आनंद दुबे को आज आप क्या जवाब देंगे? वो ये कह रहे हैं कि इस पुरानी पार्टी को, बाला साहेब ठाकरे की पार्टी को अगर किसी ने तोड़ा है तो वो प्रेशर ने तोड़ा है, ईडी सीबीआई ने तोड़ा है, शिंदे को लालच देकर आप लोगों ने यूबीटी और शिंदे गुट बना दिया, क्या जवाब देंगे आज आप? आप मुझे ये बताइए कि उनके कार्यकाल में, जो 2.5 साल उनका कार्यकाल था, उनके खुद के होम मिनिस्टर को जेल में डाला गया, तब किसकी सरकार थी? तब उद्धव ठाकरे जी थे चीफ मिनिस्टर, खंडणी के आरोप में डाला क्या नहीं उसको जेल में। दूसरी बात, हिरेन वजे करके एक भयंकर ईडी सीबीआई का केस था, वो राज्य सरकार के अधीन नहीं होता। तो आपके थे ना सुजी बहन जी, कितने जर्नलिस्ट को आपने जेल में डाला, राहुल कुलकर्णी को जेल में डाला। अरे किसी को जबरदस्ती फंसा देंगे कि वो बाहर आके पुस्तक लिख रहा है, उस पुस्तक में आपका भांडा फोड़ रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। तैयारी मत करो, नहीं नहीं आनंद रूबिका जी, आई शुड बी अलाउड टू स्पीक। बिल्कुल बिल्कुल अनिल, देशमुख की पुस्तक आई है ना, भेज दो कुरियर से आपको, फिर शुरू हो गए, पढ़ लीजिएगा, फिर शुरू हो गए भाषण आपका। आप मुझे ये बताइए, उनके खुद के चीफ मिनिस्टर ने उनके खुद के होम मिनिस्टर को जेल में डाला था,
जर्नलिस्ट को किसको अर्णब गोस्वामी को किसको किसने जेल में डाला था, राहुल कुलकर्णी को किसमें जेल में डाला था, यार आप क्या बात करें। हीरेन वजे को जो एक गुंडा है, मतलब हम लोग सरकार में आके जेल में डालते हैं लोगों को, अभी आप बोलते ही बोलने ही नहीं देते हो, आप ही भाषण करते रहते हो, उनको क्यों आपने वापस पुलिस फोर्स में लिया जब देवेंद्र फडणवीस जी सीएम थे, हकाल पट्टी की थी उनको, आपने उसको पद दिया, शिवसेना में बकायदा मेंबर किया, और वो हीरेन वजे ने एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पर बॉम्ब डाला था, एक हीरेन वो मनसुख हिरानी नहीं, नहीं पर वो किताब का भी तो चर्चा कर रहे हैं ना, वो किताब की बात भी तो कह रहे हैं कि भंडा फोड़ा था प्रदीप भंडारी। लास्ट 10 सेकंड्स। रूबिका जी, आनंद दुबे की पार्टी डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर रही है, अभी से ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे चुनाव आयोग पे सवाल उठा रही है, क्योंकि उनको पता है जनता इनके साथ नहीं है, और 23 नवंबर को आप लिख के रख लीजिएगा अगर नतीजे इनके पक्ष में नहीं आएंगे तो ये ईवीएम पे चुनाव आयोग पे टीका पोटेंगे, और ये 100 करोड़ के वसूली वाले लोग हमें ना बताएं महाराष्ट्र की जनता किसके साथ है, 100 करोड़ आपके लोग आपका कॉन्फिडेंस देश की जनता को पसंद, महाराष्ट्र में कोई झुकने को तैयार नहीं है, और जनता पर उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए तो नतीजों के लिए आनंदित वो दिन होगा कि कौन किसकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। 23 नवंबर वो तारीख है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 इंडिया में जुड़ने के लिए, गूंज देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।